परसों में सारंग हेलीकॉप्टर लोगों का दिल जीत लेता है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो सारंग हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर भी एक पिकॉक बनाया गया है। पिकॉक का मतलब ही होता है, दरअसल सारंग को सारंग कहा जाता है पिकॉक को संस्कृत में। और इसे उड़ाने वाले जो कपल है वो हमारे साथ मौजूद है। दरअसल ये पहली लेडी सारंग पायलट है, उन्हीं से बात करते हैं। स्नेहा उनका नाम है और उनके हस्बैंड है रवीश कुमार। दोनों सारंग हेलीकॉप्टर को आज उन्होंने वडोदरा के एयर शो में उड़ाया है। मैम ये बताइए कितना डिफरेंट लगता है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों सारंग हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद वी आर टू ऑफिसर्स, टू सोल्जर्स, और कॉकपिट में बैठने के बाद टू इंडिविजुअल पायलट्स। तो बीच बीच में हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि इट इज़ अ हस्बैंड वाइफ थिंग, वो हमें घर जाके याद आता है। मैम एक रूल भी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो किस तरीके का रहता है? मैम नॉट वेरी श्योर, किसी ने सोच समझ के बनाया होगा ये रूल, बट हाँ ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ जनरली सेम कॉकपिट में नहीं होते हैं। सो मे बी सम रीजंस बिहाइंड इट व्हिच आई माइट नॉट बी नोइंग राइट नाउ। ये बताइए कि बीइंग अ फर्स्ट फीमेल पायलट और वो भी सारंग को उड़ाना, मुश्किल लगता है? मैं सारंग की पहली वुमेन पायलट हूँ, अदरवाइज तो देर आर लॉट्स ऑफ वुमेन पायलट्स एंड काफ़ी जांबाज, एंड सारंग को उड़ाना एक बहुत ही व्हाट कैन आई से स्किलफुल जॉब है। बहुत उसमें फोकस चाहिए होता है, बहुत मेहनत, प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ जहाँ मैं बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों को मोटिवेट कर पाऊंगी कि हाँ एक दिन आप भी यूनिफॉर्म पहनो और मैं आपको बैठ के देखूं जब आप सारंग उड़ाओ। बिल्कुल सर, ये बताइए बहुत सारे लड़के जो वहाँ पे बैठे हुए थे आपको चीयर अप कर रहे थे, कैसा लगा वो मोमेंट जब आप लोग आपको देखकर चीयर अप करते हैं और खास करके वो सपना देखते हैं कि काश मैं भी पायलट बन जाऊँ? जी ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है कि कोई आपको देख के इंस्पायर हो रहा है। तो एक बार जब मैं छोटा था तो डेफिनेटली मैंने भी ऐसे ही ऊपर देखा था सारंग परफॉर्म कर रहा था, तो उन्हें देख के मैं भी इंस्पायर हुआ था। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लेगेसी है कि एक सीनियर दूसरे जूनियर को इंस्पायर करे। तो हमारा एम यही है कि देश का युवा जो है, आने वाली सदी भारतीय युवा की सदी है। इट इज़ अ वेरी नोबल जॉब एंड इफ़ वी कैन इंस्पायर पीपल टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, इट विल बी वेरी गुड।